ट्रक वाला आ रहा था कि मुझे एकदम डरा ही दिया, किसी तरीके से बचे। एंड हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 8 o'clock एंड अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाइज आज मेरा होने वाला है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जो कि मैं दूंगा बेसिकली PYQ पेपर नीट 2017 का जो पेपर आया था उसको मैं बेसिकली अटेम्प्ट करने वाला हूँ आज। तो उसमें कितने मार्क्स आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ द ब्लॉग, आपको पता चल ही जाएगा। तो इस ब्लॉग में बने रहना। एंड गाइज, अभी बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अभी गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बायो के टोटल 4 चैप्टर करने वाला हूँ। बेसिकली यूनिट 1 जो है क्लास 12 का रिप्रोडक्शन वाला, वो मैं बेसिकली करने वाला हूँ, जो कि मैं करूँगा NCERT के बुक से। बेसिकली जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसे रीड करूँगा एकदम क्विक रिविजन, लाइक 30 मिनट्स में एक चैप्टर करना होगा। तो 2 घंटे में बेसिकली मुझे करना होगा पूरा यूनिट 1 इस तरीके से। एंड उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, लाइक PYQs एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करूंगा। तो पहले मैं इसे रीड कर लेता हूं एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करूंगा तो आपसे मिलूंगा। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10:30, और गाइस मेरा कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1 जो रिप्रोडक्शन वाला था, वो मैंने 4 चैप्टर रीड कर लिया। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट मैंने किए हुए थे कॉपी बुक में वो मैंने कर लिया है। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब टाइम आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्योंकि गाइस जो भी मैंने पढ़ा है, लाइक उसका आपको एक अच्छे सेट ऑफ मतलब क्वेश्चन भी चाहिए होता है, जिससे कि आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि अगर अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, मतलब कि ऐसे ही आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कोई फायदा नहीं। और खासकर NCERT में गाइस आपको लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का क्वेश्चन फ्रेम हुआ हुआ आपको प्रैक्टिस करना होता है, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा नीट एग्जाम में। तो गाइज उसी के लिए मैं बेसिकली अभी यूज़ करूँगा मेमोनीट ऐप। तो आप देख सकते हो अभी मैं मेमोनीट ओपन कर रहा हूँ। तो गाइज इसमें बेसिकली क्या, आपको लाइन बाय लाइन हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा। एंड गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा रिविजन एल्गोरिथम भी है। लाइक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लाइक आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करोगे और अगर आप गलत करोगे तो ये आपका टेम्प्रोरी मेमोरी में जाएगा। एंड उसके बाद फिर उस टेम्प्रोरी मेमोरी से सही करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। इस तरीके से आपका 7 स्टेप है। उसके बाद जब आप 7 बार सही कर लेते हो तब ये आपका यहाँ से खत्म होगा। तो इस तरीके से आपको नए नए क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो भी होगा वो NCERT के हर एक लाइन से उठाया हुआ रहता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जाऊँगा रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में, मैं बेसिकली जाऊँगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है। और मुझे लाइक PYQs प्रैक्टिस करना है। इसमें हर एक टाइप का, लाइक आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आप नीचे जाते जाओगे तो आपको PYQs मिलेंगे, एम्स के भी PYQs क्वेश्चन मिलेंगे एंड एजुकेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत आपको आ सकती है। क्योंकि गाइस नीट 2022 में काफी क्वेश्चन आए थे जिसमें रीजन और काफी लोगों को प्रॉब्लम आई थी, तो ये अलग से सेक्शन दिया हुआ है। एंड इस तरीके से मुझे लाइक PYQ करना है प्रैक्टिस। आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन। एंड ये हर बार अपडेट होते रहता है, ऐसा नहीं कि केवल सेम क्वेश्चन आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आता रहेगा। मतलब अभी टोटल इसमें आपको लगभग 12-13 क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से मुझे लाइक आ गया कि बेस्ड ऑन सेलुलर मैकेनिज्म ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं एक सेलेक्ट करता हूँ एंड ये जैसे कि गलत हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे। एंड इस तरीके से फिर एक और क्वेश्चन आया, तो लाइक मैं कुछ भी कर रहा हूँ सेलेक्ट एंड चेक, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मतलब कि रिवाइज भी कर सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऐप का मुझे ये सबसे अच्छी बात ये लगती है, लाइक आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा एंड उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एंड उसके बाद आप PYQ सॉल्व कर लेना एंड इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके जितने भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए ना, तो आप पूरा एश्योर हो जाओ कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर जो गलत हो गया तो उससे आप सीख लो कॉन्सेप्ट। एंड ये आप कर सकते हो, लाइक आप पढ़ लिए एंड उसके बाद ब्रेक लिए, आप बेसिकली मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, कहीं भी चल रहे हो घूमते हुए, वहाँ पर भी आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज मुझे इस ऐप का काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के लिए, लाइक बायो में भी देख सकते हो, लाइक आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेगा एंड आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग एश्योर भी करते हैं, लाइक नीट 2022 में 100 out of 96 क्वेश्चन जो है बायो में डायरेक्टली इनके क्वेश्चन बैंक से आए थे। और अगर बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी 50 out of 42 क्वेश्चन जो है इनके डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से आए थे। तो इसलिए ये लोग एश्योर भी करते हैं, ये काफी ऑथेंटिक ऐप है। तो आप इसको एक बार चेकआउट करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो आप पहले डाउनलोड करें एंड फ्री वर्जन इसका चेकआउट करें। कुछ चैप्टर आपको अनलॉक मिलेगा, आप देखें अच्छा लग रहा है अगर आपको ऐप, तो आप इसका जो है ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर आप नीट 2024 या नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऐप रहेगा। तीनों सब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हो, यानी तो आप बायो केमिस्ट्री के लिए केवल ले सकते हो या केवल आप बायो के लिए भी ले सकते हो। लेकिन बायो के लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस बायो में काफी
काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में भी। तो आप बायो केमिस्ट्री बेस्ट रहेगा, और अगर आपको फिजिक्स की भी चाहिए तो आप फिजिक्स भी ले सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ले ही रहे हो मतलब कि ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो मेरे तरफ से आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल आप मेरा कूपन कोड यूज़ करना है SABHYA300, आपको अभी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, तो इसी को आप यूज़ कर लेना, आपको 300 का डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जाइए एंड एक बार पहले चेकआउट कीजिए फ्री वर्जन, अगर अच्छा लगे तो आप इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो गैस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है अभी 11, एंड गैस मैं को बताना चाहता हूँ मैं नीचे आया हूँ बेसिकली ब्रेक लेकर, क्योंकि गैस मैं को बताना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं लगभग 2.5-3 घंटे से NCERT रीडिंग कर रहा था बैठकर, तो मुझे मन था ब्रेक लेने का, इसलिए मैं नीचे आ गया। और गैस मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हो अभी धूप भी नहीं है एंड अच्छी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि ब्रेक में आऊँगा एंड ईजिली यहाँ पर मेमोनेट के थ्रू मैं बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, तो यही करने वाला हूँ अभी। तो देखता हूँ 4 चैप्टर है, कितने टाइम लगते हैं बेसिकली इसके, केवल मैं PYQs ही करने वाला हूँ प्रीवियस 10 ईयर्स के, तो वही करूँगा एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ कितने देर लगते हैं। तो गैस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 12:30 एंड गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आया था लगभग 11 बजे के आसपास एंड मैंने 1.5 घंटे में ये 4 चैप्टर के PYQs कर लिए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के। तो गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी क्वेश्चन सही हुए, काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए, तो उसके मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए मेमोनीट में जो एक्सप्लेनेशन मिलता है, एंड इस तरीके से मेरा मतलब कि हो गया है हर एक चैप्टर का PYQs लगभग 1.5 घंटे में, एंड लगभग 2-2.5 घंटे लगे थे मुझे NCERT रीडिंग में, लगभग 4-5 घंटे में मेरा मतलब पूरा एक यूनिट हो गया कम्प्लीट, तो अच्छी खासी स्पीड है। एंड अब गैस मैं आपको बताना चाहता कि जैसा कि आपको मैंने बताया था 1:30 से मेरा जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, तो स्टार्ट तो 2 बजे होता है, 1:30 बजे ज्वाइन करना होता है, तो वो मैं करूंगा। तो गाइस टाइम हो गया है 12:30 एंड हम निकल चुके हैं बेसिकली लंच खाने के लिए रेस्टोरेंट में, बिकॉज हम वीक में एक दिन जो है लंच बाहर करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बेसिकली तड़का टल जो रेस्टोरेंट का नाम है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सामने में आई लव कहलगांव भी लिखा हुआ है जहाँ से मैं हूँ, और ये एक मैंने फ़ोटो क्लिक किया अपनी मम्मी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर, एंड इसी के साथ फिर हमने खाया एंड उसके बाद हम निकल गए घर की ओर, जैसे फिर हम घर पहुँच गए। तो अब मैं मिलता हूँ आपको टेस्ट। तो गैस टाइम अभी हो चुका है ऑलमोस्ट दिन के 1:54 एंड अब मेरा बेसिकली स्टार्ट होने वाला है मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो आप लोगों के साथ मैं सोचा यार शेयर करता हूँ कि आज मेरा कैसा जा रहा है टेस्ट एंड कितने नंबर आ रहे हैं, वो आपको ब्लॉग के एंड तक पता चलेगा, एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि इस तरीके से हमारा गूगल मीट पे ऑन होता है लाइव वीडियो कॉल, एंड इस तरीके से हमें OMR फिलिंग करना होता है, एंड इधर मेरा ये क्वेश्चन पेपर है, तो इस तरीके से बेसिकली मैं पूरा मतलब कि फील लेने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से मैं देता हूँ टेस्ट बेसिकली। तो पिछले ब्लॉग में जैसा दिखाया था वैसा ही होगा, तो बस आप टाइम लैप्स एंजॉय करें एंड ये टेस्ट देता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलूंगा 5:00 के आसपास। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मीटिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 5:00 हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग में भी आपको दिख रहा हो, और यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेरे से जितना सॉल्व हो रहा था उतना कर लिया है। देख सकते हो यहाँ पर फिजिक्स का 136 से लेकर 180 तक का था, तो मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसा कि आपको पता है ये फिजिक्स मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है उसके वजह से, एंड केमिस्ट्री में आप देख सकते हो 1-2 लेकर 45 तक मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड बायो में ऑलमोस्ट सारे किए हैं, 1-2 शायद छोड़ा है, तो लगभग कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो गाइज अब मैं बेसिकली यहाँ पर एंड करूँगा जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था, एंड उसके बाद गाइज मैं इसे सबमिट करूँगा लाइक ग्रुप में जिस तरीके से किया था। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट अभी 5:00 हो रहा है, एंड अब मैं उसके बाद जाऊंगा घर के लिए सब्जी भी लाना है एंड फल लाना है, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, बिकॉज मुझे हर अल्टरनेट डे जाना होता है, और मैंने 18 को लाया था, फिर अब 20 है आज 20 अप्रैल, तो आज जाना होगा, तो इसलिए जाऊंगा। तो छोटा मोटा सब पार्ट आपको देखने को मिलेगा मोटू ब्लॉग का, तो आप उसे इन्जॉय करें, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा इसका एनालिसिस करने के बाद एंड कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद ब्लॉग एंड करूंगा, तो बने रहें इस ब्लॉग में अगर आपको मेरा मार्क्स जानना है तो। इसी के साथ गाइज बज गए थे शाम के 5:15 और मैं निकल गया था सब्जी और फल लाने के लिए घर के लिए, और मैं मजे में जा रहा था, बट यार गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है, पता नहीं ये कब बारिश होगा। और इसी के साथ मैं पहुंच गया सब्जी लेने के लिए, और मैंने कुछ सब्जी एंड उसके बाद फल लिया एंड उसके बाद मैं निकल गया, एंड आराम से हम मजे में जा ही रहे थे, बट यार उधर से इतनी तेज़ी में ये ट्रक वाला आ रहा था कि मुझे एकदम डरा ही दिया। इसी तरीके से बचे एंड किसी तरीके से हम घर पहुँचे फाइनली एंड राइड सेफ। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है रात का ऑलमोस्ट 8 बज रहा है, एंड गाइस मैंने एनालिसिस कर लिया एंड मैंने चेक कर लिया कितने गलत हुए, कितने मैंने अन अटेम्प्ट किए, ये सारी चीज़ें कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे 104 करेक्ट हुए एंड 21 इनकरेक्ट हुए, एंड स्कोर जो आ रहा है वो आ रहा है 395।
तो ये आप देख सकते हो। एंड मैंने काफ़ी अन अटेम्प्ट किया है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि जो ना आए उसे छोड़ देने में फ़ायदा है, उससे अच्छा माइनस मार्किंग करने से कोई फ़ायदा है नहीं। नहीं तो अगर मैं सारा अटेम्प्ट करता तो हो सकता था कि 40-50 मार्क्स और जाते इनकरेक्ट के, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग के। तो आपको भी मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ना आए तो आप उसे छोड़ दें। अगर आपको लगे कि 30-40% भी आ रहा है वो क्वेश्चन, तो आप अटेम्प्ट उसे कर सकते हो, लेकिन एकदम ना आए तो ना करें आप, ठीक है। तो ये आप समझ लें अभी। एंड ये मैं कर रहा हूँ, लाइक फिजिक्स में देख सकते हो कि मैंने ये फिजिक्स का है, ये यहाँ से लेकर 136 से लेकर 180 तक का आप देख सकते हो, ये फिजिक्स का था। बट गाइस आप सोच सकते हो कि मैंने कितने सारे अन अटेम्प्ट किए हैं, और केमिस्ट्री में भी मैंने काफ़ी अन अटेम्प्ट किए हैं, बट बायो में ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किए, एक दो ही अन अटेम्प्ट किए होंगे। तो यही कुछ आया है स्कोर, जो कि काफ़ी कम है मैं जानता हूँ, बट गाइस मेरे को जैसा लगता है कि इम्प्रूव मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरा 11th में आया था 420 आसपास, एंड 12 में आया फिर 401, एंड ये फुल सिलेबस में 395। तो स्कोर तो डिक्रीज हुआ है, बट वो क्लास वाइज था, बट ये फुल सिलेबस है तो ठीक ठाक सा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि गाइस मेरा फिजिक्स बिल्कुल ख़त्म है एंड केमिस्ट्री भी मेरा ओके है, मतलब कि किसी तरीके से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, बट फिर भी इतना स्कोर आ रहा है जो कि ठीक ठाक है। और ये सारा क्रेडिट बेसिकली द पीसीबी पॉइंट को ही जाता है, जो हमारे जो मेंटर है एएम सर और एएस सर जो मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लगे रहते हैं मतलब डेली का, एंड उसी की वजह से जितना भी स्कोर आ रहा है वो आ रहा है। नहीं तो शायद अगर वो लगे नहीं रहते, क्योंकि फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था 20 फरवरी के आसपास मेंटरशिप, एंड तब से वो लोग लगे हुए, अगर उस समय मैं टेस्ट देता ना तो लगभग मेरे 200 भी नहीं आते, और अभी 395 आ रहे हैं, तो उसमें पूरा क्रेडिट उनका जाता है, क्योंकि वो लोग लग कर मतलब कि मेरे जैसे स्टूडेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, बिकॉज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम नहीं करता था स्टार्टिंग में, ना टेस्ट देता था, बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे में अंदर इम्प्रूवमेंट लाए हैं। तो बस ये मेरे दिल से निकल रही है जो भी बात है। हाँ, बहुत कम आ रहा है ये मैं भी जानता हूँ, बट जो सिचुएशन है मेरा, जो सिलेबस का सिचुएशन है, और जो मैं रिविज़न नहीं किया हूँ, उस हिसाब से ठीक ठाक सा नंबर आ रहा है। तो कोशिश करूँगा इसे अब एनालाइज़ करूँगा बेसिकली अभी, कि क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और कैसे मैं और मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो करने वाला हूँ। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। तो गाइज़ अच्छा लगा होगा ब्लॉग तो लाइक कर देना, और ऐसे ब्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।